नीति शतक भाग दो विद्वत पद्धति श्लोक 11। सकल शास्त्र वेत्ता विद्वान और विशेषज्ञ जो सुंदर और मीठी वाणी बोलते हों और अपने विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं को प्रेम से दिल खोलकर सिखाते समझाते हों, ऐसे व्यक्ति जिस स्थान अथवा प्रदेश में दरिद्रावस्था में पड़े सड़ते रहें, वह उस स्थान या प्रदेश के अधिष्ठाताओं की दुष्टता के द्योतक हैं। ऐसे विद्वान धनहीन भले ही हों पर मनवान होते हैं, जो धनवानों से कहीं महान हैं। जौहरी यदि पारखी न हो तो इसमें हीरे का क्या कसूर। इस श्लोक से चर्चा का विषय बदल जाता है, मूर्खराज और विद्वान की तुलनात्मक विवेचना है। कोई भी विषय हो, चर्चा के अंतर्गत कुछ अन्य सापेक्षिक विषय आ ही जाते हैं। देखना यही है कि प्रधानता किसको प्राप्त है। इस श्लोक में वास्तव में दो विषयों की चर्चा है, वृत्ति विशेष की बात है, व्यक्ति विशेष की नहीं। एक है पोषण प्रवृत्ति और दूसरी है शोषण प्रवृत्ति। रूप कुछ भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, यही दो प्रवृत्तियां प्रेरक होती हैं। क्रमशः अध्यापक और अधिकारी इन दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। कदाचित यह भी देखने में आता है कि अध्यापक अधिकार प्रवृत्ति से प्रेरित होता है और अधिकारी अध्यापन प्रवृत्ति से। ऐसी दशा में वह अधिकारी वास्तव में अध्यापक है और वह अपने अधिकार को प्राय अपने विशाल क्षेत्र में अध्यापन के लिए प्रयोग करता है। इसी प्रकार वह अध्यापक अपने संकुचित क्षेत्र में अधिकार चलाता है। अध्यापन प्रवृत्ति वाला अधिकारी भी समाज के लिए हितकर सिद्ध होता है और अधिकार प्रवृत्ति वाला अध्यापक हानिकारक। ऐसा अफसर लोगों की श्रद्धा का पात्र बन जाता है और ऐसे अध्यापक की खुद उसके विद्यार्थी खिल्ली उड़ाते हैं। इन सब बातों से एक ही बात प्रमाणित होती है कि शिक्षक का दर्जा ऊंचा है। इसलिए श्लोक में अधिकारूढ़ व्यक्ति को प्रभु कहा है, जबकि विद्वान को ईश्वर की पदवी दी है। कोई कह सकता है कि शब्द प्रभु राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आजकल के अधिकारियों को इसमें घसीटना नहीं चाहिए। समय के अनुसार प्रभुता के रूप बदल गए हैं। आजकल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी सारी मंडली मंत्रियों की और छोटे बड़े अफसर अधिकारी सब इसी प्रभु श्रेणी में आते हैं। एक बात यह भी ध्यान में रहे कि प्रभुत्व के रूप बदलते रहे हैं, किंतु शिक्षक सुधारक अर्थात ज्ञानी विद्वान का रूप सदा एक सा रहता है और यह ईश्वरीय गुण है। इस श्लोक में अध्यापक और अधिकारी के जो गुण गिनाए गए हैं वह भी ध्यान देने योग्य हैं। शिक्षक के विशेषण सकारात्मक हैं, जबकि अधिकारी के नकारात्मक। तोले को मासा और मासा को तोला कहने वाला अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है। शिक्षक अपनी विद्या का पारंगत हो, मधुरभाषी हो, विद्यादान में बनियोटी न करे और अंत में भले ही दरिद्र रहे पर मन का धनी बना रहे। यहां पर पिल्ला पिल्लों की बात नहीं हो रही है, प्रतिभावान के बारे में चर्चा हो रही है। आजकल भी शिक्षित प्रतिभावान दो ही श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहले बैरिस्टर बनना चाहते थे, अब एडवोकेट। पहले ICS बनना चाहते थे, अब IAS बनना चाहते हैं। यह अधिकार प्रवृत्ति है कि ऊंची नौकरी मिले, बहुत पैसा कमाएं, बड़े कहलाएं। झूठा हो या सच्चा, तुरंत मुकदमा जीतने से मतलब है। आगे क्या होगा इसकी फिक्र वह क्यों करे। शिक्षितों की दूसरी श्रेणी से अध्यापक, प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार बनते हैं। शिवी, जनक, राम, कृष्ण राजा नहीं थे, वे शिक्षक थे। टैगोर ने इसीलिए शिक्षालय चलाया। तिलक इसीलिए प्रोफेसर बनना चाहते थे और गांधी ने अंतिम श्वास शिक्षा में ली। इनके सामने न अपनी बात होती है और न आज की बात।
नन्ना सा बच्चा स्कूल में मास्टर साहब के पास आता है। मास्टर साहब को यह फिक्र नहीं कि वह कितने साल उसे स्वयं आप पढ़ाएगा, फिर भी उस छोटे बच्चे को तैयार करना चाहता है मैट्रिक, बीए, एमए, डॉक्टर वगैरह के लिए। वह जानता है उस छोटे बच्चे को बड़ा होने तक आप ही नहीं पढ़ाता रहेगा, फिर भी वह चाहता है कि 20 साल तक की पढ़ाई के बाद लड़का कैसा तैयार हो। मास्टर 20 वर्षीय योजना बनाता है, लेखक 7 वर्षीय योजना प्रस्तुत करता है और ये दोनों भूखे मरते हैं, जबकि अपनी और आज की बात सोचने वाले प्रभुत्व पाते हैं। अंधा पीसे कुत्ता खाए। समाज की उन्नति कैसे हो, इस पचड़े में पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आजकल कहा जाता है कि अमुक देश अत्यंत उन्नत है, अगाड़ी बढ़ रहे हैं और अमुक देशों की पिछाड़ी कसी हुई है। इस अगाड़ी पिछाड़ी की निशानी क्या है? क्या ईंट पत्थर लोहा लकड़ ही तरक्की है? पिछड़े हुए कैसे पछाड़े गए, कभी किसी ने मनन किया है? वास्तविक रूप में बढ़े हुए राष्ट्रों की या जो बढ़ने की क्षमता या आशा रख सकते हैं, उन सब की पहचान की एक कसौटी है, वह है उस समाज में शिक्षक की कितनी मान मर्यादा है। धन बहुत गौण है, धन एक साधन मात्र है जीवन यापन का। जो प्रभुत्व जीवन निर्वाह का यह अनिवार्य साधन पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत नहीं करता, वह प्रभुत्व वास्तव में समाज के निर्माता को निर्जीव कर नीरस बनाकर मार डालना चाहता है। प्रभुत्व में शिक्षित व्यक्ति होते हैं और अपने गुरु को प्राण दंड का फतवा दे बैठते हैं। शिक्षक सुख को शिक्षा दान के समतुल्य प्रतिफल कोई दे ही नहीं सकता। पहले राम को राम बनाने वाले वशिष्ठ विश्वामित्र को किसने धन से नवाया था? आज जवाहर बनाने वाले को कौन जवाहरात भर दिए? राष्ट्रों के बजट क्या हैं? बकासुर का पेट है, निरे नाम पर नोट चलते हैं। 100-100 के नोट की कीमत क्या है? बस पुराने जूतों के तल्ले। और इनके बिना समाज निर्माता मास्टरों के तलवे छिले जा रहे हैं। वास्तविक शिक्षकों को छिले तलवों की परवाह नहीं, किंतु उनका दिल कलपता है इन कृतघ्न शिष्य मंडली को देखकर, जो स्वर्ग और नरक के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। ये कर्ता धर्ता कैसे जो दूसरे राष्ट्रों के खिलाड़ियों के चमत्कारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने ही देश में किसी अपने आदमी को बढ़ते हुए। जिन्हें इन्होंने ठुकराया, उन्हें औरों ने सिर आंखों पर रख लिया, तो फिर उन्हें अपनाने के दावेदार कैसे बनते हैं? और ये दावेदार आज भी कितने ही रत्नों को रौंदे जा रहे हैं। मूर्खराज में यही हुआ करता है, कोई कुछ बने पर कृतघ्न न बने। राष्ट्रों का निर्माण शिक्षकों की शिक्षा से हुआ है, प्रभुओं के प्रहार से नहीं। समाज की रीढ़ लोहे लकड़ के गार्डर सहतीर से सीधी न होगी, होगी तो शिक्षक की मान मर्यादा से। मामूली मास्टर किसी प्रेसिडेंट, प्रधान, मिनिस्टर, गवर्नर, डायरेक्टर किसी के पास जाइए, उसे चाहिए वह कुर्सी से उठकर उसका स्वागत करे, ठीक अपने जन्मदाता गुरु के समान। फिर दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा दे तो कोई हर्ज नहीं। जिस सड़क गली से अध्यापक निकले, सभी कारोबारी उठकर नमस्कार करें, तब कहीं उनके संतान आगे चलकर सुदृढ़ स्तंभ बने। श्लोक 12। विद्या एक ऐसा धन है कि चोर उसको हर नहीं सकता। विद्या ज्ञान से मन को सदा शांति मिलती रहती है, रात दिन बांटते रहने पर भी वह बढ़ता जाता है, घटता नहीं। और यह संसार जब तक रहेगा तब तक वह भी बना रहेगा और उसके बाद भी विद्यमान रहेगा। हे प्रभुजनों, ऐसा विद्या धन जिनके पास है उनके प्रति तुम लोग अपना घमंड नहीं दिखाओ, क्योंकि ज्ञानी विद्वानों से टक्कर लेकर कोई टिक नहीं सकता। पिछले श्लोक में ज्ञानी विद्वानों की दुर्दशा का चित्रण था और उस दुर्दशा का कारण बताया था प्रभुओं की ओर से उनके प्रति उदासीनता। इसी कारण यह धनाभाव में दरिद्रता से पीड़ित हो रहे हैं,
और वे प्रभुता तथा धन पाकर घमंडी बने हुए हैं। धन और अधिकार का आपस में चोली दामन का साथ है। धन से और दौर्जन्य से भी प्रभुता मिलती है और प्राय प्रभुता से धनोपार्जन तथा दौर्जन्य किया जाता है। इस प्रकार धन मुख्य साधन बना सांसारिक सुख और दुख का। इस श्लोक में सिद्ध किया गया है कि यह निराभ्रम है। धन से भी बड़ी चीज है विद्या, और विद्या धन साधारण धन से उत्कृष्ट है। कैसे? इस श्लोक में यद्यपि विद्या धन की ही प्रतिष्ठा गाई गई है, तथापि सोने चांदी अथवा आजकल के कागजी नोटों वाले धन से विद्या धन का मिलान करके विद्या धन की उत्कृष्टता सिद्ध की गई है। धन के जुटाने की बात ही लें तो सांसारिक धन के एकत्र करने में भी स्वयं अपने को तथा दूसरों को अनेकों प्रकार के दुख देने और उठाने पड़ते हैं और पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसके विपरीत विद्या धन के अर्जन में किसी प्रकार के पाप की आशंका नहीं है। किसी प्रकार धनोपार्जन करने वाले के पास धन इकट्ठा हो गया और विद्योपार्जन वाला विद्वान तथा ज्ञानी बन गया, तब दोनों की स्थिति में मिलान करके देखिए। धनवान भी धन सबको देता है। सरकार की ओर से नाना प्रकार के टैक्सों द्वारा उस धन का हरण होता है। साधारण जन भी उस धन की ओर लालच से देखते हैं। चोर मौका पाकर उड़ा ले जाते हैं। जरूरतमंद लोग कर्जे अथवा दान धर्म के नाम पर मांगते रहते हैं। धन घटता जाता है, उसे बचाने के लिए धनी झूठ बोलता है, चोरों से छिपा के रखता है। इन तमाम आशंकाओं के कारण धनी चैन की नींद नहीं सो पाता। इसके विपरीत विद्वान की विद्या को कोई हर नहीं सकता। विद्वता के नाते सरकार भी उस पर टैक्स नहीं लगाती। विद्या को उधार मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि लोग उल्टे पैसे देकर पढ़ा करते हैं या पढ़े हुए से काम लेते हैं, फीस देते हैं, वेतन देते हैं। विद्या को यों न बेचकर मुफ्त में जिसको जो चाहे या जो जिसके योग्य हो उसे खुले दिल से विद्या दान करते जाएं, तब भी विद्या धन घटने के बजाय बढ़ता ही जाता है। दुनिया में कितना भी धन कोई इकट्ठा करे, कुछ ही पुश्तों में उनकी संतान टुकड़ों की मोहताज हो जाती है। स्वयं वह धनी जिसने इतने कष्ट सहकर धन जुटाया, पता नहीं कब का स्वर्ग या नरक सिधारा होगा, नाम भी कोई नहीं जानता। परंतु विद्वान के प्रति श्लोक में कहा गया है कि कल्पांत में भी विद्या धन विनाश को प्राप्त नहीं होता। क्या विद्वान नहीं मरता? जरूर मरता है, किंतु उसकी ख्याति कभी नहीं मरती। वह ऐसी चीजें छोड़ जाता है कि प्रलय आदि का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। कोट, किले, मंदिर, तटाक सभी नश्वर हैं, किंतु वेद, उपनिषद, गीता, भर्तृहरि सदा अमर रहेंगे। ऐसे हुतात्माओं से होड़ करते हैं यह दो दिन के प्रभु और यह चार दिन के धनी। खुद वह भी और उनका धन और प्रभुता भी फूंक की मेहमान है। यह साहस नहीं, ज्ञानी विद्वानों से होड़ लेने का दुस्साहस करते हैं। यह होड़ क्या लेंगे? हाँ, डाह कर सकते हैं। जलन से आप ही पीड़ित हो सकते हैं और जलकर राख हो सकते हैं, और राख हवा में उड़कर बेनाम बेनिशान हो सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि वह अपने प्रभुत्व और यह अपने धन को ज्ञानी विद्वानों की सेवा में सादर समर्पित करें। इसी में उन दोनों का निस्तार है। दुनिया में ऐसी धनी और प्रभु हुए भी हैं। अंत में यह भी स्पष्ट रहे कि हर विद्वान कहने वाला विद्वान नहीं है। बहुत सारे विद्वान भी उतने ही लोभी, लालची और घमंडी होते हैं और विद्या को दूषित करते हैं। इसका दुरुपयोग करके धन और प्रभुत्व को नौकरी आदि रूप में ही सही हथियाना चाहते हैं। ऐसे विद्वान उन धनियों और प्रभुओं से भी गए गुजरे नारकीय हैं। वह प्रभु कदाचित किसी सीमा तक क्षम्य हो सकते हैं, किंतु यह विद्वान कदापि नहीं। श्लोक में विद्या धन के गुण गाते हुए विद्वान के कर्तव्य भी गिनाए गए हैं। विद्वान को चाहिए कि अपनी विद्वता पर अहंकार न करे, कितना भी अपमान सहना पड़े, कैसे भी घोर कष्ट उठाने पड़े, उसके मन की शांति भंग न हो। पुरस्कार की मांग करके
या समय के अभाव का बहाना करके विद्यादान में भी लोभी न बने। सदा अध्ययन से ज्ञान वृद्धि करता रहे और अंत में ऐसी कृति स्मृति छोड़ जाए जो सदा अमर रहे और कल्पांत में भी सुरक्षित रहे। सुरक्षित जरूर रहेगी क्योंकि वह अक्षर है। ध्यान रहे श्लोक में विद्वान की प्रशंसा करते हुए प्रभुत्व की ताड़ना अधिक की गई है। प्रभुत्व को चेतावनी दी गई है कि वह विद्वान से टक्कर न ले। देश के विद्वानों से यदि वह सचमुच विद्वान है तो परोक्ष रूप में कहा गया है कि वे राज के हाथों न बिकें और अपने साथी विद्वानों के साथ और जिज्ञासुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभुत्व से टक्कर लें और विद्याधन की मान मर्यादा की स्थापना करें। एक ओर राज्य से कहा गया है कि विद्वानों से मोर्चा मत लो तो दूसरी ओर विद्वानों को परामर्श दिया गया। श्लोक 13। जिन ज्ञानी विद्वानों ने परम तत्व को पा लिया है उनका हे राजन तू अपमान मत कर। वे तेरे धन और वैभव को तिनके के समान तुच्छ मानते हैं। जिस प्रकार कमल का कोमल डंठल किसी मस्त हाथी को बांध के नहीं रख सकता उसी प्रकार धन वैभव द्वारा किसी ज्ञानी विद्वान को अपने अधीन रखना असंभव है। वह सदा स्वच्छंद रहता है। पिछले श्लोक में विद्या को कल्पांत में भी विनाश न होने वाला बताया था और इस श्लोक में विद्वान को परमार्थ दर्शी बताया है। यह परमार्थ क्या है? परम अर्थ अर्थात श्रेष्ठ अर्थ। अर्थ बड़ा व्यापक शब्द है। अर्थ के दो अर्थ अधिक प्रचलित हैं। एक धन दूसरे शब्द के अर्थ अभिप्राय माने मतलब उद्देश्य। दोनों अलग अलग वस्तु हैं। एक अर्थ का मालिक राजा है दूसरे अर्थ का स्वामी पंडित विद्वान। इनमें बड़ा कौन? साधारणतया धनी जन विद्वान को अपने अधीन कर लेते हैं। धन के साथ राज भी मिल जाए तो विद्वान पानी भरने बल्कि चिलम भरने लग जाते हैं। दुनिया धन से चलती है। जिसमें जितनी क्षमता है उतना वह कमाता है खर्च करता है। इसलिए दुनियादारी में जो पड़ेंगे उन्हें अपने से बड़े धनी के अधीन होना ही होगा। यदि विद्वान ने भी यही किया तो उसका सारा शब्द भंडार भी धनागार का एक सिक्का मात्र है। जिन दिनों केवल धातु के सिक्के का चलन था अब तो नोट चले हैं। सिक्के को अंगूठे के नाखून पर उछालते तो वह खनखनाता था। धन के लोभ में पड़े हुए विद्वान के शब्दों में भी रुपये की छनछनाहट होती है। बेचारा बंधा हुआ है सोने चांदी की जंजीरों में या नोटों के पुलंदों में बेबस पड़ा हुआ है। परंतु इस श्लोक में जिस प्रकार के विद्वान की ओर संकेत है वह दूसरे ही प्रकार का विद्वान है। एकदम उलट है। इसी दुनिया में रहता है पर दुनिया के बंधनों से परे रहता है। दुनिया में जैसे तैसे जीवन बिताने के लिए वह धन का गुलाम नहीं बनता। इस अर्थशास्त्र को वह निरर्थक समझता है। वह जो शब्द मुंह से निकालता है वह उसके अर्थ को न केवल समझता है बल्कि उसको दिल से मानता है और उसी पर अमल करता है। मुंह देखी नहीं कहता, मजूरी पर दूसरे का ढिंडोरा नहीं पीटता, अर्थ का अनर्थ नहीं करता। क्यों? परिगत परमार्थान, वह परमार्थ को पा गया है। परमार्थ अर्थात उत्तम धन। जो असली धन को पा गया हो वह कैसे इस झूठे धन के लोभ में पड़कर अपने विद्या धन का अपमान करेगा? दोनों अर्थों के प्रयोजन को वह भलीभांति जानता है। पैसा तो मैल है किसी दूसरे हाथ का धुला हुआ और हमें भी मल के समान धोकर बहाना है। इस आया गया के लिए उस अमर आत्मा की हत्या कैसे करेगा वह? इस सत्य विद्या के अर्थ अर्थात प्रयोजन को वह खूब जानता है। केवल जानता ही नहीं बल्कि नित्य जीवन में विपदाओं की परवाह न कर पल पल उस पर अमल करता है और उससे उस परमार्थ को प्राप्त होता जाता है। वह परमार्थ हो या न हो पर यह स्वयं किसी परमार्थ से कम नहीं है। वह स्वयं ऐसे शक्तिमान बन जाते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति उन्हें दबा नहीं सकती। ऐसे पुरुष को यदि कोई चाहे कि अपने दरबार में कुछ मान मर्यादा बढ़ाकर और उसके घर पर कुछ धन दौलत पहुंचाकर बस में कर ले तो यह असंभव है।
कहां मस्त हाथी और कहां कोमल कमल के डंठल। इस श्लोक में भी वही धारा बह रही है जो पिछले श्लोक में थी। ज्ञानी विद्वान की महत्ता को जताते हुए प्रभुत्व को झंझोड़ा गया है। खबरदार, इन्हें लोभ लालच देकर खरीदने की जरूरत न करना। पिछले श्लोक में राजा से कहा था कि विद्वानों से लड़ना मत, क्योंकि उनसे लड़कर राज पनपेगा नहीं। लड़ाई के हौसले टूट गए, तब विद्वानों को वश में कैसे रखे। खूब खिलाओ पिलाओ, धन दौलत की भेंट चढ़ा दो, आप ही चुप मार कर बैठ जाएंगे। श्लोक कहता है कि यह भी भ्रम है, सरस्वती के पुजारी लक्ष्मी के मोहपास में बंधने वाले नहीं है। दूसरी ओर विद्वानों की ओर संकेत है कि अर्थ को लतियाओ और परमार्थ को साधो। परम अर्थ जिसमें सबका कल्याण हो, केवल अपना नहीं समूचे समाज का। श्लोक 14। संसार के सकल चराचर का सृजनहार प्रजापति ब्रह्मा भी हंस जैसे पक्षी पर यदि बहुत ही नाराज हो जाए तो अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है कि उस हंस के जल विहार के सुख तथा आनंद को रोक मात्र दे। किंतु उस हंस में दूध और पानी को अलग अलग करने की जो क्षमता है और इस असाधारण क्षमता के कारण उसकी जो ख्याति है, उसे हंस से छीन सकने में सर्वथा असमर्थ है। पिछले श्लोक में राजा को उद्देश्य करके कहा गया था कि हे राजन, तू ज्ञानी विद्वानों के प्रति अपना घमंड न दिखा। विद्वान मस्त हाथी के समान है। इस पर शंका उठ सकती है कि ऐसे ज्ञानी स्वयं गर्वी होते हैं और प्रभुओं का अपमान करने पर तुले रहते हैं। राजा या राज इसे सह कैसे सकता है। इस श्लोक में इस दंभ को भी दबोचा गया है और कहा गया है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी ज्ञानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है कि राजा या राज्याधिकारी और धनियों को संसार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि वह स्थान कुछ ही दिनों का मेहमान है। अधिक से अधिक उनके जीवनांत तक वह स्थान सुरक्षित है। इसके विपरीत विद्वानों की प्रतिभा कल्पांत तक सुरक्षित रह सकती है, भले ही उनका भौतिक शरीर न रहे। इसमें विद्वान का क्या कसूर। सत्य विद्या स्वयं अविनाशी है, प्रतिभा अविनाशी है, पर प्रभुता नाशवान है। प्रभुता प्रतिभा की मोहताज है, बिना प्रतिभा के प्रभुता चल नहीं सकती। संसार में सभी संपन्न और अधिकारी किसी में कोई विशेषता देखें तो उसे अपने पास रखते हैं, विशेषज्ञ अधीनता का स्वीकार कर लेता है। किंतु सच्चा विशेषज्ञ अपनी स्वाधीनता तथा स्वाभिमान को तिलांजलि नहीं दे सकता, जो वास्तव में उसकी विशेषज्ञता की मूलभूत भित्ति है। यहीं पर आकर परस्पर कटुता का बीजारोपण होता है। ऐसी परिस्थिति में अंत तो गत्वा हानि किसकी होती है। हानि होती है प्रभु की, परिचारक की नहीं। घर गृहस्थी या व्यक्तिगत परिस्थितियों से मजबूर कोई कुछ करे, पर अनमना काम अच्छा नहीं हो सकता। मालिक की दशा सांप छचुंदर किसी हो जाती है, निगल सके न छोड़ सके। रखें तो काम खराब, छोड़े तो हो सकता है कि प्रतिस्पर्धी खुद उसी के विरुद्ध उस विशेषज्ञ का उपयोग करे। उसे काम से छुड़ाया जा सकता है, पर उस विशेष गुण को तो उससे छुड़ाया या छीना नहीं जा सकता। सत्ताधारी को सृष्टिकर्ता से सबक लेना होगा। ब्रह्मा भाग्य का विधाता है, उसे सृष्टि चलानी है। सृष्टि चलेगी न्याय से, अन्याय से नहीं। किसको कितना भाग मिले, इसके लिए प्रत्येक प्राणी के पाप पुण्य का लेखा जोखा करके भावी जन्म के भाग्य का निर्णय करना होगा। प्राणी के कर्म पाप पुण्य से ऐसे सने हैं कि दोनों को अलग अलग करना कोई सरल कार्य नहीं है। मानव जाति के बहुत से कार्यों को हम लोग रोज देखते ही रहते हैं। जो ऊपर से देखने में बहुत भला आदमी और उसके बहुत से कार्य पुण्यमय दिख पड़ते हैं, उसके पीछे पाप की भावना हो सकती है और अक्सर उसके जघन्य कृत्य नग्न रूप में सामने आते हैं। इस पाप पुण्य का निर्णय कैसे हो। ब्रह्मा इसीलिए हंस का मोहताज है कि भली प्रकार से विश्लेषण करके दूध का दूध पानी का पानी करके रख दे। यह ब्रह्मा के गुणों का अलंकार है, अथवा सचमुच हंस उसकी सवारी है, इसे तो ब्रह्मा जाने
या ब्रह्मज्ञानी। हंस आखिर ब्रह्मा की सवारी ही तो है, सवारी चलने की चीज। ब्रह्मा का सारा कारोबार इसी विश्लेषण पर चलता है। हंस आत्मा को भी तो कहते हैं। यह सूक्ष्म विचार छोड़कर स्थूल दृष्टि से ही देखें, हंस में ऐसी विलक्षणता विश्लेषण की है। ब्रह्मा को सृष्टि चक्र को चलाए रखने के लिए इस विश्लेषण की आवश्यकता है, इसलिए वह हंस का मोहताज है। ब्रह्मा बिगड़े तो अपना ही काम बिगाड़ लेगा, पर हंस का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। हंस को जो विशेष गुण प्राप्त है वह उसके भाग्य से ही मिला है। भाग्य भाग उसका अपना हिस्सा, कोई इसे छीन नहीं सकता। ब्रह्मा भी हंस के इस गुण को छीन नहीं सकता, तब क्या करेगा? वह दो ही काम कर सकता है, या तो उस हंस को अपनी सवारी में जोते रखे, घड़ी भर की फुर्सत न दे, या तालाब को सुखा दे और हंस को कमल विहार से वंचित रखे। चाहे तो वह इतना जरूर कर सकता है, पर ब्रह्मा इतना मूर्ख नहीं है कि इस तरह करके अपने ही काम में बाधा डाले। इसलिए तुम अपनी संपत्ति तथा सत्ता के घमंड में ऐसी मूर्खता न करो कि ज्ञानी विद्वानों का अपमान कर बैठो। यह तुम्हारा घमंड ही तुम्हें ले बैठेगा। विद्वानों का कसूर लेस मात्र नहीं है, तुम्हें अपमानित करना उनका उद्देश्य नहीं है। यदि कुछ ऐसा दिख पड़े भी तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के प्रति ऐसे शब्द प्रयुक्त करके उन्होंने वास्तव में सांसारिक सत्ताधारियों का मान बढ़ाया है। कहां चतुर्दश भुवनों का से। श्लोक 15। कोई मनुष्य कवच कुंडल पहनने या गले में जगमगाते चंद्रहार सूर्यहार पहनने से सुंदर नहीं बन सकता। नहा धोकर चंदन आदि पोत कर बाल संवार कर फूल गूंथने से भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सुंदरता की यह सब सामग्री देर तक रहने वाली नहीं है। सदी हुई शुद्ध वाणी ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को पूर्ण रूपेण स्वभावमान कर सकती है और जो सदा बनी रहती है। पिछले श्लोक में मानव की शक्ति सत्ता का निरूपण करके दिखाया गया कि आंतरिक शक्ति अथवा विशेष गुण ही अधिक मूल्यवान है। इस श्लोक में रूप सौंदर्य को लेकर सिद्ध किया गया है कि असली सौंदर्य किस में है। साधारणतया लोग बाह्य रूप को देखकर प्रभावित होते हैं। सहज सौंदर्य कुछ हो या न हो, लोग सद संवर कर अपने को अधिक रूपवान जताने की चेष्टा करते हैं। पुराने जमाने की रीति रिवाज के अनुसार राजा महाराजा बाहों में केयूर कसते, सिर पर मुकुट किरीट धरते, कलाइयों में सोने के कड़े चढ़ाते और गले में नौलखा हार आदि डालते थे। रेशमी धोती दुपट्टा भी पहन ओढ़ लेते थे, किंतु श्लोक में कपड़ों का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। भारतवर्ष के उष्ण वातावरण में कपड़ों की आधिक्यता अनावश्यक थी ही। कपड़ों की बात आ गई, एक कहानी सुन लीजिए। फारस देश की कहानी है। किसी दौलतमंद के घर एक आलिशान दावत का आयोजन था। शहर के अमीर उमरा दावत में शरीक थे। एक बड़ा आलिम विद्वान भी वहां पहुंचा, पर फटियल हालत में। दरवानों ने दरवाजे से ही धक्के देकर उसे बाहर कर दिया। आलिम किसी धोबी से अच्छे कपड़े किराए पर लेकर खूब सज धज कर फिर दावत में पहुंचा। बड़ी आवभगत हुई। दस्तरखान पर खाना चुना गया। जब खाना शुरू हुआ तब आलिम साहब एक एक कोर उठाकर अपने चोगे के आस्तीन दामन पर पोतने लगे। सबने हैरान होकर पूछा तो बड़ी संजीदगी से आलिम साहब ने कहा, जनाब, इन कपड़ों की बदौलत तो मेरी यहाँ तक रसाई हुई। सोचा खाने की हकीकी हकदार यह पोशाक ही है। केयूर क्रीट हो, बाल संवारना, फूल गूंथना हो या वस्त्र आभूषण हो, सभी दूसरों की बनाई हुई और ऊपर से जोड़ी हुई हैं। आदमी की अपनी कुछ है तो वह केवल त्रुटि, जिसे छिपाने के लिए सुनार, माली, नाई, धोबी की कारीगरी को किराए पर ले लिया और धन सत्ता का प्रदर्शन किया। इसके विपरीत उपरोक्त ईरानी आलिम ने धोबी और उसके कपड़ों के साथ अमीर उमरा और उनके धन वैभव की गौणता सिद्ध करते हुए अपनी उच्चता की स्थापना की। यह है वाणी का महत्व। वाणी विद्या को कहते हैं। श्लोक में उसी की महत्ता बखानी गई है।
किंतु यहाँ जिस वेशभूषा की बात कही गई है वह सब बाह्य रूप ही है, तब उसका विद्या के साथ क्या मिलान। वास्तव में इस श्लोक के अंदर विद्या का भी बाह्य रूप लिया गया है। संस्कृतावाणी अर्थात समरी हुई भाषा से यहाँ यही अभिप्राय है। जिस प्रकार पहला प्रभाव देखने वालों पर रूप सौंदर्य और वेशभूषा का पड़ता है, उसी प्रकार सुनने वालों पर बातचीत का पड़ता है। इस प्रकार बाह्य अलंकार में भी वाणी का उच्च स्थान सिद्ध किया गया है। दूसरी ओर विद्वानों को चेतावनी दी गई है कि राज दरबार से भौतिक सुख सामग्री के प्रलोभन में फंसना न चाहिए। पिछले श्लोक के परमार्थ की सिद्धि हो अथवा न हो, स्वयं विद्या ज्ञान भी कम सुखदायी नहीं है। श्लोक 16। विद्या मनुष्य का सुंदर आभूषण है। विद्या सुरक्षित धन के समान है। विद्या से सुख शांति तथा ख्याति मिलती है। विद्या महान गुरु के समान है। विद्या विदेश में बेगानों को जगाना बनाती है। विद्या से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। विद्या स्वयं ईश्वर है। धन में यह महिमा नहीं है, अतः विद्या विहीन मानव पशु के समान है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि कवच केयूर आदि वास्तविक आभूषण नहीं है, विद्या ही सच्चा आभूषण है। इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या केवल आभूषण ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर है, और जो विद्या से वंचित हो वह पशु है। वास्तव में अपने शरीर में जो भद्दापन महसूस हो उसे छिपाने के लिए आभूषण से ढकने की चेष्टा की जाती है। यदि आभूषणों का शौक ही है तो कहता है कि वह बहुत आसानी से मिल सकते हैं। आभूषण खरीदने बनवाने के लिए धन चाहिए, सो है ही विद्या धन, और यह धन ऐसा है कि रहता है पर किसी के द्वारा अपहरण करने योग्य नहीं है। धन मानो बैंक में रखा है, जब चाहे निकाल लो और चाहे जो वस्तु खरीद लो। धनी भी भोग विलास करता है जरूर, पर बदनाम भी होता है, किंतु विद्वान भोग विलास के साथ यशोवान बनता है और गुरुजन भी उसकी मान मर्यादा करते हैं। विद्या ऐसी वस्तु है कि जिन गुरुओं के पास एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करता है वही विद्यार्थी विद्वान बनकर स्वाध्याय से उन गुरुओं से भी बढ़ जाता है और स्वयं गुरु ही उसके अद्वितीय योग्यता को मानने लगते हैं। गुरु नाम गुरु, परदेश में भी उसे सब अपनाएंगे और राज दरबारों में उच्च आसन मिलेगा। यह सब है पर अत्यंत तुच्छ, क्योंकि अंत में विद्या को परादेवता कहा है, यानी वह जो सभी यही कामुस में फल प्रदान करे। न ही धनम कहकर धन और विद्या का तारतम्य बताया गया है कि संसार में धन द्वारा प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है, किंतु सभी उपरोक्त वस्तुएं एक साथ प्राप्त नहीं की जा सकती है। धन से कुरूप स्वरूप नहीं बन सकता। धन से भोग विलास भले ही कर लें, कलंक से नहीं बच सकते। इन सब बातों को छोड़ भी दें तो किसी धनी को गुरु का स्थान कहीं भी नहीं मिला है। धनी देवता के नाम पर धन भले ही खर्च कर दें, किंतु देव भी उनसे उतना ही प्रसन्न हुआ हो इसका सबूत नहीं मिल सकता। अंत में विद्या विहीन है पशु, यह कई जगह कहा गया है, किंतु यहाँ पर विद्वान मूर्ख जन की चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा है धन और विद्या की। धन द्वारा उपरोक्त सभी भोग किसी धनी को यदि प्राप्त हो तो वह निरा पशु भोग मात्र है। कोई कोई राजा और धनी अपने घोड़ों और कुत्तों को भी उतनी मर्यादा देते हैं। जनता को खाना कपड़ा रहने की जगह काम दवा दारू की सुविधाओं का प्रलोभन आजकल सभी राजनीतिक दल दिया करते हैं, किंतु ये चीजें पशुओं के लिए भी जरूरी मानते हैं और करते हैं। तब मानव और पशु में अंतर क्या रहा? क्या सभी राजनीतिज्ञों ने जन सामान्य को पशु ही समझ रखा है? लगता तो यही है। भारत में 3/4 लोग अनपढ़ हैं। उनको पढ़ा लिखा बना दें, अक्षर ज्ञान ही करा दें, इसकी चिंता किसी पार्टी को नहीं है। क्या वे लोगों को पशु बनाए रखना चाहते हैं और दाना चारा मात्र देकर दोहन करना या सवारी करना चाहते हैं? विद्या अक्षर ज्ञान ज्ञान का पहला सोपान है और उससे वंचित हैं करोड़ों स्त्री पुरुष। पशु बने हुए हैं, विद्या विहीन है पशु। यह हुई निरक्षरों की दशा।
साक्षर विद्वानों की स्थिति पशु से भी बदतर है। पशु हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और भूसा चारा खाते हैं, मगर हमारे विद्वान कहने वाले डिग्री होल्डर काम पर लगने पर तन मन से काम नहीं करते या काम न मिलने पर समाज पर बेकार बोझा बने रहते हैं। उनको शिक्षित बनाने में समाज पर बोझ पड़ा वह अलग है। समाज की व्यवस्था चलने के लिए और सरकारी योजना को पूरा करने के लिए जिस प्रकार इतने बैल चाहिए, इतने घोड़े गधे चाहिए, उसी तरह पढ़े लिखे चाहिए, इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर इत्यादि तैयार किए गए, मगर उनके लिए नौकरी नहीं है, इसलिए बेकार है। विद्या को बेकारी से क्या संबंध है? विद्वान के माने है जहाँ कुछ न हो उसमें से कुछ पैदा करना, नया काम निकालना, खुद करना और दूसरों को भी काम देने लायक बनना। इसलिए आजकल के विद्वान भी अविद्या से ग्रसित हैं। अंग्रेजों की शिक्षा को दूषित कहा करते थे कि केवल क्लर्क पैदा होते हैं। स्वाधीन भारत ने क्लर्क भी निकम्मे निकाले, निपुण भी निकम्मे। शिक्षितों की संख्या बढ़ी तो बेरोजगारी की फौज बढ़ी। क्या शिक्षा को विमुक्त मोड़ देने वाला कोई शिक्षा विशेषज्ञ पैदा ही नहीं हो? आजकल की विद्या का तीसरा दोष है अपराधों में वृद्धि। अपराध के लिए विद्या और विज्ञान का उपयोग होता है। आज की विद्या लुटेरू विद्या है या बटोरू विद्या? विद्या नहीं, धन ही हमारे लिए परादेवता हो गया है। बांटने से बढ़ने वाले विद्या धन का दरवाजा बंद है और जेब काटने की विद्या का बोलबाला है। राज भी यही करते हैं, प्रजा भी यही करती है, तो दोष किसका? क्या विद्या अथवा विज्ञान का? नहीं, दोष विद्या तथा विज्ञान को सत्ताधारियों के हाथ बेचने वाले नामधारी विद्वान तथा वैज्ञानिकों का है। घूस देने वाला अपराधी, लेने वाला अपराधी, इसी तरह विद्या का दुरुपयोग करने वाले, कराने वाले दोनों पापी। इसीलिए पिछले श्लोकों में विद्वानों की स्वतंत्रता पर इतना सारा जोर दिया गया और इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्त ये। भय से, लालच से मुक्ति जिस विद्या से मिले वही सच्ची। श्लोक 17। यदि मनुष्य के अंदर सहन शक्ति हो तो उसकी रक्षा के लिए कवच आदि की आवश्यकता नहीं। वह सहन शक्ति ही उसकी सब विपत्तियों से रक्षा करेगी। यदि क्रोध हो तो उसे किसी शत्रु का होना जरूरी नहीं है, स्वयं क्रोध ही अनेक शत्रुओं के समान आपत्ग्रस्त कर देगा। पटेत अर्थात संपत्ति का भागीदार दावेदार रहे तो अलग से किसी आग की आवश्यकता नहीं है, पटेती के झगड़ों में ही सारी संपत्ति स्वाहा हो जाएगी। सच्चा साथी यदि रहे तो किसी सिद्ध औषधि को साथ रखने की जरूरत नहीं है, साथी ही सारे रोगों से बचा लेगा। दुर्जनों से दोस्ती रखे तो सांप को पालने की क्या जरूरत, दुर्जन ही एक दिन सांप बनकर डसेंगे। निष्कलंक विद्या साधी हो तो धन जुटाने की आवश्यकता नहीं, विद्या से ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लज्जा मात्र रहे बहुत है, शोभा बढ़ाने के लिए किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। विद्या ही वशीकरण का सर्वोत्तम साधन है। लोगों को अपने वश में रखने के लिए विद्वान को किसी राज्याधिकार की जरूरत नहीं है, अपनी निष्कलंक विद्या द्वारा सारे संसार को वह अपने वश में कर लेगा। पिछले श्लोक पर चर्चा करते हुए अंत में जो शंका उठाई गई थी उसी का इसमें समाधान है कि वास्तविक विद्वान के लिए धन भोगादि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आते हैं भोग लेता है, नहीं आते तो उनके लिए लालायित नहीं रहता। विद्वान के लिए धनादि की आवश्यकता को जताते हुए साथ ही श्लोक के अंदर उन बातों का संकेत भी है जो एक वास्तविक विद्वान के लिए अवश्यमेव चाहिए। उसे चाहिए कि विपत्तियों को सहन करे, अपमानित होने पर क्रोधित न हो, सदा सत्संगत में रहे, दुर्जनों से दूर रहे, अपनी विद्या को दोष रहित बनावे और अहंकार त्याग कर सुंदर युवतियों का सा क्वचित लज्जा भाव अपनावे। ऐसे विद्वान के सामने संसार सिर नवाएगा और उसकी आवश्यकताओं को समाज पूरा करेगा। दूसरी ओर इसका यह भी अर्थ हो सकता है
कि राज्याधिकारी अस्त्र शस्त्र कवच आदि से अपनी रक्षा का प्रबंध इसलिए करते हैं कि उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है अथवा न्यूनता, इसी से वे सदा सशंक रहते हैं। इसके विपरीत विद्वान निशंक बना रहता है। अधिकारी तनिक सी बात पर तुनक उठते हैं जिससे शत्रु अधिक बनते हैं। तुनक मजाजी से बचने पर ही कोई विद्वान वास्तविक विद्वान बन सकता है। तब ऐसे विद्वान के सभी प्रशंसक हो जाते हैं। विद्वान स्वयं विद्यार्थी भी बना रहता है, इसलिए कभी अपने से अच्छों से डाह नहीं रखता बल्कि उनसे कुछ सीखता ही है। इसके विपरीत अधिकार संपन्न सदा अधिकार के भूखे होते हैं, इसलिए वे सभी से डाह रखते हैं। समानता के साथ सूर्यधरता रहती है। राज्य भोगी अपने को सबसे ऊंचा समझते हैं, तब वे दूसरों को अपने समान कैसे देख सकेंगे। स्वार्थी स्तुति पाठक ही उन्हें घेरे रहते हैं। खुशामद पसंदी ऐसा महारोग है कि सभी सिद्ध औषधियां निरर्थक सिद्ध होती हैं। इसके विपरीत विद्वान सभी से सहानुभूति रखता है और सभी से सहानुभूति पाता है। राज्याधिकारी के दरबे में दुर्जनों के रूप में सैकड़ों सांप पलते हैं जो उसे एक दिन डस जाएंगे। इसके विपरीत विद्वान सदा सत्संग में जीवन बिताता है, उसे तब डर किसका। आडंबरी जीवन के लिए राज्याधिकारी को धन की आवश्यकता होती है और उस धन के लोभ में शत्रु दयादि स्वार्थी दुर्जन घेरा डाले रहते हैं। विद्वान को न वह साज सामान चाहिए और न उसके लिए वह धन। दूसरों को आकृष्ट करने के लिए नहीं तो कम से कम अपने शरीर की शोभा के लिए आभूषण तो चाहिए। सो साफ कह दिया कि सहज लज्जा ही सर्वोत्तम आभूषण है, अर्थात लज्जा विहीन ही आभूषणों की शरण लेते हैं। तो क्या राज्य अधिकार संपन्न व्यक्ति निर्लज्ज होते हैं? आडंबर ही इसका प्रमाण है। दिल में डरते रहते हैं और ऊपर से रुआब जमाते रहते हैं। क्रोध शत्रु बना मन में बैठा है मगर बाहर के दुश्मनों पर दाव चलाते हैं। राजमहल के भीतर राजदार बनकर राज हड़पने की ताक में लोग बैठे हैं। स्वार्थ साधने के लिए दरबार में खुशामदी जुटे हैं। दुर्जन राज्य तंत्र का नियंत्रण करते हैं। क्या यह सब निर्लज्जता की निशानियां नहीं हैं? लज्जा की बात आ गई, इस पर भी दो शब्द। लज्जा किसे कहते हैं? जो चीज मौजूद हो उसे कुछ कुछ छिपाना ही लज्जा है। लज्जा स्त्रियों का विशेष गुण है। किसी बात को दिल से चाहती हुई भी नारी आंखें नीची कर लेती है, इससे उसकी शोभा दूनी हो जाती है। यदि समाज में पुरुषों में भी स्त्रियों चित्त लज्जा का कुछ अंश आ जाए तो उनका पुरुषार्थ द्विगुणीकृत हो जाए। अक्सर आदमी इसी गुण से समाज में आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। इसी प्रकार हमारी स्त्रियों के अंदर से लज्जा की आधिक्यता कुछ कम हो जाए तो वे समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगी। अर्थात मर्द लोग अपनी बेहयाई कम करें और स्त्रियों में कुछ पौरुष पैदा हो। शूरता वीरता का जो लोग आडंबर रचते हैं उनकी अपेक्षा उन गुणों को छिपा के रखने की चेष्टा करने वाले अधिक सूरवीर सिद्ध होते हैं। लज्जा यदि रही हुई चीजों को कुछ छिपाने की चेष्टा है तो जो अपने में नहीं उसे रचकर दिखाने की चेष्टा करना निर्लज्जता है। श्लोक 18। जो व्यक्ति इस संसार में अपने बंधु मित्रों के साथ उदारता बरतते हो, नौकर के साथ दया भाव दर्शाते हो, अर्थात उनकी छोटी मोटी भूलों को देखी अनदेखी करते हों और समय पड़ने पर सहायता करते हों, दुष्टों के साथ कठोरता बरतते हों और शिष्टजनों के प्रति प्रेम आदर दर्शाते हों, राज्याधिकारियों के साथ कुशल नीति का पालन करते हों और ज्ञानी विद्वानों के प्रति विनम्र रहते हों, वैरी के साथ वीरता का परिचय देते हों और गुरुजनों के प्रति विनम्र रहते हों और नारियों के साथ उदंड बनते हों, वही लोग इस संसार में सुंदर निभाव कर सकते हैं। पिछले श्लोकों में अधिकार संपन्न तथा धन संपन्न अथवा विद्या संपन्न अर्थात उत्तम श्रेणी के व्यक्तियों को लक्ष्य करके कहा गया था।
इसमें जनसाधारण को सामने रखते हुए कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं न लेकर केवल संसार में येन केन प्रकारेण जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, और संसार में अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए श्लोक में कहा गया है कि वह भी एक निश्चित नीति का अनुसरण करने से सुखी रह सकते हैं। उच्च श्रेणी के लोगों में अधिक बुराइयां होती हैं और उन्हीं की देखा देखी मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोग उन बुराइयों को अपनाते हैं। इसीलिए उच्च श्रेणी के लिए अधिक श्लोक लिखे गए और निम्न मध्यम श्रेणी के लिए एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया गया है। समाज की स्थिरता के लिए अत्युच्च तथा अति निम्न का अंतर जितना कम हो उतना ही लाभदायक है। मध्यम श्रेणी ही इनका माध्यम बन सकती है। इसलिए मध्यम श्रेणी के लिए जो बातें उपयुक्त होंगी वे उच्च तथा निम्न श्रेणी पर भी समान रूप से लागू होती हैं, किंतु उच्च श्रेणी की बातें मध्यम श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी पर लागू नहीं हो सकती। यह और बात है कि निम्न अथवा मध्यम श्रेणी के लोग उच्च श्रेणी वालों की वेशभूषा या व्यवहार की नकल करके अपने को बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा करें, भले ही न बन पड़े पर उनकी मनोवृत्ति वही है जो अधिक भयानक है, खुद उनके लिए भी और समाज के लिए भी। अब सर्वसाधारण निम्न श्रेणी की बात। प्रायः सभी के बंधु बिरादर होते हैं, उनके साथ निभाव करने का एक ही उपाय है कि या तो उन्हें अपने मत का बना लें या खुद ही उनका दृष्टिकोण अपनावें। अपनी अलग ढपली बजाने से वह बिरादरी से फट जाएगा और उनकी सहानुभूति खो बैठेगा, अकेला कुछ न कर पाएगा, यहाँ तक कि उसके लिए जीवन दूभर हो जाएगा। इसके बाद उच्च मध्यम श्रेणी वादी है, ये खाते पीते लोग होते हैं, अपने कारोबार या घरेलू कामकाज के लिए नौकर चाकर रखते हैं। नौकर चाकर न रहे तो इनके सारे कारोबार ठप हो जाते हैं, घर में चूल्हे में आग भी नहीं जलती, यह नहीं तो दूसरा नौकर रखेंगे। इस प्रकार समझ लेने से भी काम नहीं चलता, नौकर का आए दिन बदलते रहें तब भी काम नहीं चलेगा। ऐसों के पास नौकरी करना भी लोग पसंद नहीं करते। इनका नौकर पक्का चाहिए तो उनको नौकरी भी पक्की चाहिए। परिवार के ही समान नौकर को मानना चाहिए। घरवालों से गलतियां होती ही हैं, नौकरों से भी हुआ करेंगी। हर छोटी मोटी गलती पर झाड़ फटकार करने पर कोई नौकर सह नहीं सकेगा। आपके घर में कभी विवाह रचता है और कभी मौता उठता है, कभी कोई रोगी हो जाता है, किसी दिन किसी पर मातम छा जाता है, ठीक उसी प्रकार नौकर के घर में भी रोता है। जो आप अपने लिए करते हैं नौकर के लिए भी हैसियत के मुताबिक ठीक वैसे ही करना होगा। इससे नौकर मालिक के बीच अपनापन हो जाता है और इसी में दोनों की भलाई है। समाज में रहने के बाद सज्जन दुर्जन दोनों से वास्ता पड़ता है। सज्जन के साथ प्रेम व्यवहार रखने पर निम्नतर श्रेणी उन सज्जनों से अधिक लाभान्वित होती है, और दुष्ट से कठोरता बरतने पर निम्न श्रेणी उससे सुरक्षित रहती है। अब रहे गुरुजन तथा सरकार या सरकारी अधिकारी। गुरुजनों अर्थात माता पिता पुरोहित आदि, इनकी अभिलाषा होती है कि आप शाश्वत सुख पावें। अब थोड़ी असुविधा हो तो वह आगे सुखकारी हो, इसलिए इनके प्रति नम्रता दिखाना और उनकी बात मानना और मनन करना जरूरी है। सरकारी अधिकारियों से तुरंत लाभ या हानि होती है, इसलिए इनके साथ नीति अर्थात कूटनीति अपनानी चाहिए कि हो सके तो लाभ अधिक हो पर हानि कम होवे। किंतु इसका अभिप्राय झूठा व्यवहार करने का कदापि नहीं है। ऊपर की दूसरी बातों पर अमल करने वाला व्यक्ति धूर्त बन ही नहीं सकता। अंत में रही नारी की बात। नारी जन के प्रति धूर्तता का उपदेश दिया गया है। वारांगना के साथ तो ठीक है, पर अब संसार में वारांगना की प्रथा को उठा दिया गया है या उठाया जा रहा है। पर्दे की आड़ में होता हो उसे छोड़िए, नारी के अर्थ यहाँ स्वनारी ही लेना चाहिए। स्वनारी तो अर्धांगनी है और घर की पूरी मालकिन।
अपने आधे शरीर और माल की इनसे धूर्तता करके कोई पुरुष पनप नहीं सकता। जिस भर्तृहरि ने बंधु मित्र के साथ उनके मतानुसार चलने की शिक्षा दी है, वह स्वयनारी के साथ ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। याम चिंतयामी सततम वाले श्लोक का आसरा लेकर इस पर आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। नारी के साथ धूर्तता की अनुमति प्रकृति जात स्त्री पुरुष संबंध के सिवा अन्य कुछ नहीं हो सकता। इसमें पुरुष को जो आजादी है, स्त्री को भी वही स्वतंत्रता है। ऐसे अवसर पर धूर्तता की बराबर छूट है। शायद स्त्री इस स्वतंत्रता का अधिक शोभनीय उपयोग करती है और पुरुष की धूर्तता कुछ भद्दी होती है। नारी की धूर्तता सम्मोहक होती है, जबकि पुरुष की संघातक। श्लोक 19। सत्संग से मनुष्य की बुद्धि की जड़ता कटती है। वह सदा सच बोलने की चेष्टा करता है, पाप से दूर रहता है, चारों ओर उसका यश फैलता है और वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है। भला बताओ तो सत्संगति कौन बात नहीं बनती, सब कुछ तो सिद्ध होता है। पिछले श्लोकों में अधिकार संपन्न और धन संपन्न विद्वान और सर्वसाधारण के गुण दोषों का वर्णन करते हुए कर्तव्य विधि का निरूपण किया गया था। शंका उठती है कि लोगों की अपनी अपनी आदतें हैं और उनकी मजबूरियां भी हैं, फिर वे इस रास्ते पर लगे कैसे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, किंतु श्लोक में सबके लिए एक ही रास्ता बताया गया है और वह है सत्संग। तथा सत्संग से मानव के सभी मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, पर एकाएक नहीं, एक एक परत हटता है और एक एक पग आगे बढ़ता है। श्लोक में सत्संग की प्रधानता है। उसके अनेक फलों में से दो मुख्य हैं, एक आरंभ है और दूसरा है अंत। पहला है मन की जड़ता को मिटाना और अंतिम है सदा प्रसन्न चित्त रहना। प्रशांत और प्रसन्न मन ही जीवन धन का महान साधन है और यह सत्संग से ही साध्य है। एक एक बात को लें और देखें कि एक से दूसरे की सिद्धि कैसे होती है और अंत में जीवन का चरम लक्ष्य चित्त शांति कैसे प्राप्त होती है। एक सत्संग। आजकल भी सत्संग बहुत होते हैं, विशेषकर शहरों में, मगर शहरों में किसी को शांत चित्त पाना असंभव सा है। कोई महात्मा आते हैं, उपदेश देते हैं, भद्र समाज बैठकर सुनता है, बस हो गया सत्संग, समझ लिया पाप धुल गया। सत्संग में प्रवचन मात्र नहीं है और थोड़ी देर आंख मूंद कर या कान खोलकर सुनना मात्र नहीं है। सत्संग है संत साधु पुरुषों के साथ रहना। साथ रहने पर ही पते लगेगा कि उपदेशक कहां तक संत है और कहां तक धूर्त। प्रवचन और आचरण में कितना सामीप्य है। बोल और चाल में जितना अधिक मेल होगा उतना बड़ा वह संत। ऐसे ही महात्माओं को सत्संग से मन को शांति प्राप्त होगी। 2. जड़ बुद्धि। सत्संग का पहला काम है जड़ता की जड़ काटना। जड़ता दो प्रकार की होती है, ऊपर के श्लोकों में उनकी चर्चा की गई है। साधारण जनता चीजों को बहुत ज्यादा समझती नहीं है, उन्हें जैसे तैसे जीवन के दिन काटने हैं, लोन तेल जुटाने में लगे रहते हैं। वे अच्छों की बात जितनी अच्छी तरह सुनते हैं, बुरों की बातों में आकर बुराई पर भी उतनी ही जल्दी तुल जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर भले बुरे किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या तो वे पत्थर की मूर्ति हैं या महात्मा, दोनों हालतों में चिंता की कोई बात नहीं। सच्चा संत मिले तो वे बहुत जल्द सन्मार्ग पर चल पड़ते हैं। हम देखते भी हैं कि भोले लोग साधुओं के चेले जल्द बन जाते हैं। दूसरे प्रकार के जड़ मनुष्य बड़े चालाक होते हैं,
अपने को बड़ा समझदार गिनते हैं, सत्संग में भी लंबी चौड़ी शंकाएं उठाते हैं, सवाल जवाब के बाद कुछ दिनों में ये भी रास्ते पर लग जाते हैं। बहुत दूर न जाएं, श्री राम कृष्ण परमहंस महात्मा थे, नरेंद्र कॉलेज के प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, नरेंद्र संत की ओर से शंकाशील रहते थे, पर क्या हुआ, वही नटखट नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, जिन्होंने सारे संसार में अध्यात्म की ज्योति जगा दी। सत्संग से जड़ता सबकी दूर होती है, सहज श्रद्धा से हो या शंका समाधान के लिए, पर करें सत्संग, सुने भी और साथ में रहें भी। 3. सत्यपरायणता। बुद्धि की जड़ता दूर होने पर आदमी असलियत को समझने लगता है, सच को झूठ से अलग छांट सकता है, धीरे धीरे सच्चाई को अपनाता है, झूठ को त्यागता है। सत्यपरायणता में सत्याचरण भी शामिल है। सत्य क्या है, झूठ क्या? सदा रहने वाला परमात्मा को सत्य और एक दिन मिटने वाले जगत को मिथ्या कहते हैं। होगा, पर संसार में भी जो सामने है और जब तक है, तब तक उसकी सत्यता को झुटलाना निभाव का मार्ग नहीं है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अंत में यह जीवन, सभी जाने वाले हैं, तो क्या हम इन्हें मिथ्या समझें? स्थिर भी सत्य है, अस्थिर भी सत्य है। स्थिर को अस्थिर कहना या अस्थिर को स्थिर मानना, यही असत्य है। जैसे जिसको समझे वैसे ही कहे और वैसे ही करे, यही सत्य है। पर अपने सत्य को मानने के लिए दूसरे के साथ दुराग्रह करना या कष्ट देना, यह असत्य है। और अपने विश्वास के लिए कष्ट सहना सत्य है। असल बात यह है कि वाक शुद्धि वाचरण शुद्धि पर निर्भर है, और तब पाप का निराकरण आप ही आप हो जाता है। प्रसन्न मन, यह अंतिम ध्येय है, सो दोनों को प्राप्त होता है, नाम मान के भोगी को भी और ध्यान ज्ञान के योगी को भी। पर अंतर यह है कि पहला दूसरों को अधिक दिखाई पड़ता है और दूसरा अपने आप में अनुभव किया जाता है। ज्ञानी प्रायः देखने वालों को दुख सहते दिख पड़ता है, किंतु वह उसमें ही परम सुख का अनुभव करता है। दुखों की वे परवाह नहीं करते, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनका स्वागत करता है। इस प्रकार सत्संग से दोनों ही प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। दीनदारों की दीन सुधरती है और दुनियादारों की दुनिया संवरती है। श्लोक 20। उत्तम ग्रंथ रचे हुए वे जो रसों को सिद्ध किए हुए कविंद्र जन हैं, वे इस संसार में सदा विराजमान रहेंगे। इनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापे अथवा मृत्यु का कभी कोई भय नहीं है, सदा नवयौवन को प्राप्त होंगे। पिछले श्लोक की चर्चा में कहा गया था कि सत्य की प्रतिष्ठा की स्थापना करते हुए ज्ञानी विद्वान भी सभी प्रकार के कष्टों को प्रसन्नता से सहते हुए रह सकते हैं। किसी भी दुष्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट दिए जाने पर वे तनिक भी विचलित नहीं होते। ऐसा वे कैसे कर पाते हैं, वही इस श्लोक में बताया गया है। उन कवीश्वरों ने ऐसी सिद्धियों को साध लिया है कि उन्हें मरने या बूढ़े और कमजोर होने का भय ही नहीं है। वे सदा अमर भी है और युवा भी। इसके दो कारण दिए हैं। रस सिद्धा, एक वे रसों को सिद्ध किए हुए हैं, सुकृति न है, उत्तम ग्रंथ छोड़ गए हैं, और वे कवीश्वर हैं। ये तीनों ही शब्द द्वंद्वार्थक हैं। कविता रचने वाले को कवि यानी कवीश्वर कहते हैं, और वैद्य को भी कवि यानी कविराज कहते हैं। वैद्य और कवि दोनों ही रसों को सिद्ध करते हैं। औषधि बनाने वाले कविराज पारा आदि धातुओं को फूंक कर उनका सार निकाल लेते हैं। कविता करने वाले श्रृंगार, रौद्र आदि रसों की कल्पना करते हैं। वैद्य औषधि द्वारा शरीर की रक्षा करते हैं, और कवि वर्णन से शरीरधारी के चित्र को ज्यों का त्यों खींच देते हैं।
दोनों ही अच्छे कार्य हैं। सुकृति न है, वे बुढ़ापे से नहीं डरते, ये मृत्यु को पार कर गए, परंतु कविश्वर के वर्णन को कभी कोई वर्णहीन नहीं कर सकता, इसलिए यही श्रेष्ठ है। इसमें से जो सिद्धि को प्राप्त हुए, ऐसी आत्मा तो स्वयं परमात्मा है। वर्तमान, भूत, भविष्य, वह सभी कुछ जानता है। कविश्वर को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। यह संसार रहे या न रहे, परमात्मा तो रहेगा। उसी प्रकार इस संसार में कोई प्राणी रहे या न रहे, वाणी तो बनी रहेगी। इन विद्वान ज्ञानी कविश्वरों की कृतियां कभी जीर्ण शीर्ण न होंगी। कीड़े मकोड़े